So finally after 3 weeks break Jujutsu Kaisen chapter 148 release हो गया है एंड इस चैप्टर में हमें माकी एंड जेनिन क्लैन के बारे में जानने को मिला। तो इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो चैप्टर की शुरुआत माकी से होती है जहां हमें पता चलता है कि माकी जेनिन क्लैन आई है टू कलेक्ट कर्स टूल्स सो दैट वो कलिंग गेम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। आफ्टर डैट माकी अनफॉर्चुनेटली नायोया से मिलता है जो माकी के जले हुए चेहरे को देखकर बोलता है योर फेस लुक्स ऑफुल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। सो बेसिकली नायोया यहाँ माकी को टीज कर रहा है बिकॉज दे बोथ हेट ईच अदर। आफ्टर डैट इन दिस सीन हमें नायोया से ये जानने को मिलता है कि ही यूज्ड टू बुली माकी इन पास्ट बिकॉज माकी सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, उसके पास ना ही कोई कर्स टेक्निक है और ना ही कोई कर्स स्पिरिट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई नायोया हेट माकी। सो एज अ रीडर हमें क्लियरली पता चलता है कि जेनिन क्लैन के मेंबर्स हेट ईच अदर एंड हर कोई अपने पर्सनल मोटिव के लिए एक दूसरे के साथ है। बट एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि माकी एक टनल में कहीं जा रही है एंड आई थिंक शी इज गोइंग टू स्टोर रूम जहाँ कर्स टूल्स को रखा गया है। सो व्हाइल वॉकिंग थ्रू द टनल माकी अपने मॉम से मिलती है एंड आई गेस दैट माकीस मॉम इज एन इमेजिनरी फिगर जो वो शायद से खुद ही विजुअलाइज कर रही है, मतलब वो मन ही मन अपने मॉम से बात कर रही है। सो आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हमें पास में ले जाया जाता है जहाँ माकी एंड मेगुमी कुछ बात कर रहे हैं। उनके बाद से हमें ये पता चलता है कि मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड नहीं बनना चाहता है बिकॉज इट विल बी अ हेडेक फॉर हिम। बट ऑन द अदर हैंड माकी मेगुमी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है बाय सेइंग दैट वंस यू बिकम द हेड ऑफ द जेनिन क्लैन यू विल हैव एक्सेस टू मनी कर्स टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 क्लैन्स एंड जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स। सो बेसिकली जेनिन क्लैन के हेड के पास काफी एक्सेस है एंड द हेड ऑफ द क्लैन होल्ड्स लॉट ऑफ पावर। आफ्टर दैट मेगुमी माकी को जेनिन क्लैन का हेड बनने को कहता है बट माकी थिंक्स दैट शी इज नॉट गुड इनफ टू बिकम द हेड बिकॉज अंदर ही अंदर माकी चाहती है कि माई हेड बने जेनिन क्लैन का। सो आफ्टर दैट सीन चेंज होता है एंड नाउ वी आर बैक टू द प्रेजेंट जहां माकी स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है एंड व्हेन शी ओपन द डोर शी सीज हर फादर ओगी जेनिन। सो आफ्टर दैट ओगी जेनिन कहता है कि देयर आर नो कर्स टूल्स हियर, I anticipated your move and disposed them. So here as a reader हमें यह पता चलता है कि माकी के फादर को पता था कि माकी कर्स टूल्स लेने आएगी and that's why he get rid of all the curse tools. After that we get to see that माई भी स्टोर रूम में है but she is badly injured and बहुत सारा खून बह रहा है उसके बॉडी से। So after that scene change होता है और हमें quickly पास में ले जाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेनिसी जेनिन and नायोया जेनिन are planning something. And उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि right now बहुत सारे लोग मेगुमी को हेड बनाने वाले डिसीजन से एग्री करते हैं बिकॉज मेगुमी तीनों क्लैन यानी कि गोजो क्लैन, कामो क्लैन एंड जेनिन क्लैन को एक कर सकता है और ये चीज बाकी जेनिन क्लैन के मेंबर्स को पसंद नहीं आई। सो एट प्रेजेंट रिमूविंग द सील ऑफ प्रिजन रेल्म विल बी अ क्रिमिनल एक्ट बिकॉज जुजुत्सु वर्ल्ड के हाई अथॉरिटीज का मानना है कि सातोरू गोजो शिबुया इंसिडेंट का जिम्मेवार था। बट एज अ रीडर हमें यह भी पता चलता है कि मेगुमी, माई एंड माकी प्रिजन रेल्म के सील को खोलना चाहते हैं एज दे वांट टू फ्री सातोरू गोजो विच इवेंचुअली मेक देम क्रिमिनल्स एंड इसी चीज का फायदा उठाकर जेनिन क्लैन मेंबर्स आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट मेगुमी, माकी एंड माई। सो हियर एज अ रीडर इस सीन में सबसे सरप्राइजिंग वाला बात मुझे ये लगा कि इस प्लान का आइडिया माकी एंड माई के फादर ओगी जेनिन ने दिया है विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट जेनिन क्लैन में कोई भी सगा नहीं है। So back to the present scene, Maki's father Ogi is ready to use one of his technique to kill Maki and on the other hand Maki भी ready है to fight with her father. So after that दोनों के बीच fight start होती है जहाँ Maki Ogi के sword को तोड़ देती है but still Ogi managed to land a strike on Maki and then he said that the reason I couldn't become the head of Zenin clan is because you two were nothing but failure. So here as a reader हमें यह पता चलता है कि Ogi अपने daughter को बहुत hate करता है and he didn't think even twice before killing his own daughter. So, अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शायद माकी मर जाती है बिकॉज जुजुत्सु काइसेन में कोई भी कभी भी मर जाता है एंड अब माकी जिंदा है या मर गई है इस बात का कंफर्मेशन हमें अपकमिंग चैप्टर्स में मिल जाएगा। बट एज अ रीडर मुझे ये चैप्टर ठीक ठाक ही लगा। सो अगर आपको जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर लो, नहीं तो वाई सायतामा इज सो स्ट्रॉन्ग ये वाला वीडियो देख लो एंड मैं तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।